हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन टू अनदर वीडियो। तो यार, हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन होराइजन एपिसोड 25 के बारे में। तो इस एपिसोड का टाइटल है राइवल्स इन द डार्क नाइट। तो जैसा कि आपको टाइटल से शोर है, इस एपिसोड में बहुत ही कमाल की बैटल्स देखने को मिलने वाली है। तो समरी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपकमिंग डेज में बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एपिसोड 24 जो था वो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, और अगर अभी तक भी किसी ने उस एपिसोड को नहीं देखा तो 9anime.com पर जाके आप इस एपिसोड को इंग्लिश सब में देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एपिसोड 25 की। एपिसोड 25 जो है, इसके स्टार्ट में होगा कुछ यूं के लीकू, रॉय, फ्रीड और लीकू की ग्रैंड मदर डायना जो है ये सभी हॉल में बैठे होंगे और टेरा पैगस और जो रॉय की एंशिएंट पोकेबॉल है उसके रिलेटेड बात कर रहे होंगे। तो अचानक वहां पर हमें एक्सपर्ट्स देखने को मिलेंगे जिनमें मैथ्यू होगा, मैथ्यू के टीम मेंबर्स होंगे, और यहां पर एक्सपर्ट्स के कुछ और टीम मेंबर्स भी देखने को हमें मिलने वाले हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंगो है जो कि एक लड़की है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर हमें ऑनिक्स देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल मुझे तो लग रहा है। तो यहाँ पर ये एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो जैसे एक्सप्लोरर्स हल्ला बोलेंगे तो उसके फौरन बाद जो हमारी टीम होगी वो भी रेडी होगी बैटल के लिए। यहाँ पर फ्रीड, लीकू, रॉय ये जो होंगे ये अलग हो जाएंगे, और ग्रैंड मदर जो है लीकू की डायना जो है वो अपने आर्की 9 के साथ अलग हो जाएगी। लीकू जो होगी वो टेरा पैगस के साथ अलग हो जाएगी, जिसको मैथ्यू फॉलो करेगा, और डायना जो होगी वो दूसरी साइड पर जाएगी। यहाँ पर मैथ्यू, सेंगो और जो ऑनिक्स है ये लीकू, रॉय, फ्रीड को फॉलो करेंगे और उनके साथ बैटल करेंगे, लेकिन जो डायना है वो इनके एक स्क्वाड लीडर के साथ बैटल करने वाली है जो कि एक ओल्ड मैन है जो कि काफी पावरफुल मुझे तो लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल की बैटल होने वाली है। एक तरफ लीकू जो होगी वो अपने टेरा पैगस को यूज करेगी और स्प्रिगिटो को यूज करेगी, दूसरी तरफ रॉय जो होगा वो अपने फोको की पावर को अनलीश करेगा। उसके बाद तीसरी तरफ हमें देखने को मिलेगा फ्रीड जो कि अपना टेरेस्ट्रियल चारिज़ार्ड इस बैटल में यूज करने वाला है, और मैथ्यू जो है वो इस दफा फ्रीड को काफी टफ टाइम देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ऑनिक्स और जो सेंगो है उनकी ट्रू पावर का पता चलेगा, उनकी नेचर का पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, और लीकू रॉय जो है वो इन दोनों के साथ बैटल करने वाले हैं। साथ में हमें यहाँ पर आर्की 9 की पावर देखने को मिलेगी। आर्की 9 को स्पॉटलाइट मिलने वाला है यहाँ पर इस एपिसोड में, और आपको पता है कि आर्की 9 जो है वो काफी पावरफुल पोकेमोन, और एंशियंट टाइम में पुराने वक्तों में ये एक लेजेंडरी पोकेमोन भी था, लेकिन फिर इसको नॉर्मल पोकेमोन कंसिडर कर दिया गया। तो यहाँ पर इसकी पावर का भी हमें पता चलेगा। उसके अलावा जो आर्की 9 है वो एंशियंट स्टोरी में से एक पोकेमोन भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बैटल जो होगी आर्की 9 की उस ओल्ड मैन से वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है और बहुत ही लेवल की होने वाली है। यहाँ पर ये दोनों टीम्स जो होंगी आपस में बैटल करेंगी, लेकिन इसमें से फ्रीड की जो टीम होगी और डायना जो होगी ये जीत जाएंगे। एक्सप्लोरर्स को ये काफी अच्छी तरह मात देंगे और वहां से ये निकलने में कामयाब हो जाएंगे, फॉरेस्ट में छुप जाएंगे। वहां पर फिर ये अपनी टीम फ्रीड होगा वो असेंबल करेगा, जो कि उसकी बाकी टीम है एयरशिप में जो है उन सभी को बुलाएगा, और फिर ये इनके साथ अगेन एपिसोड 26 में बैटल करने वाले हैं। तो ये एपिसोड्स काफी कमाल के होने वाले हैं अपकमिंग जो है, तो इनको देखना मत भूलिएगा। अगर तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।